नमस्कार 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 नमस्कार। हम आप सभी लोगों का हल्दी लगा के चंदन करते हैं और यहाँ पर आपका अभिनंदन करते हैं। सो शुरू करने से पहले एक जोक सुनाना चाहेंगे क्या? तो आप हमको बताइए, जो गंजा आदमी होता है वो सबसे ज्यादा सुखी क्यों होता है? क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं है। मजा आता है सर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं बात की खाल। तो हमारा मुद्दा है सेल्फी, जो ऐसा सेल्फी खींचते हैं ना। तो हमारे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी, डांस की माँ गीता माँ, और स्वीट डायरेक्टर अनुराग बासु जी। और इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं जो दिल की हैं सच्ची लेकिन अकल की हैं बहुत ज्यादा कच्ची तितली, बच्चा यादव के तबेले से। इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये हैं चिंगारी खूबसूरती से ब्यूटी। वैसे गीता माँ, हमारे एक अंकल हैं जो कह रहे थे कि आपका वो जो फंटा ब्लू संपा ऐसा कुछ बोलती है हम बोल नहीं पाएंगे, वो बड़ा अच्छा लगता है हमारे अंकल को, तो एक बार कैमरा में देख के वो बोल देंगे, बड़े खुश होंगे। प्लीज अंकल जी, सिर्फ आपके लिए स्टुपेंडो फैंटास्टिकली फैंटास्मगोरिकली मैजिक लीजिए। सिद्धू जी बुलवा दिया हमने। अबे तेरी, अरे 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 खैर चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे इस हो क्या रहा है? किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? मेरा बजा। हेलो हेलो हेलो। अच्छा सोनी साहब, आपके जज हमारे शो में आ गए, बड़े चलाक हो, खाली जज भेज दिए, हिम्मत आए तो स्पॉन्सर भी भेजो। हाँ अच्छा, मैं एक बात करने जाता हूँ सोनी साहब, कल वाले एपिसोड में एक ऐड ज्यादा चली थी, अब मुझे उसका हिसाब चाहिए। हाँ सेम टू यू। स्पॉन्सर एड के लिए डायरेक्टर राजेश से संपर्क करें, मैं सोनी टीवी से सस्ते में आपकी ऐड कर दूंगा। हेलो गीता माँ, मैं राजेश पिता। हमारे बच्चे कहाँ हैं बताओ? अरे प्यार से सब उन्हें माँ कहते हैं, आप कहाँ से बाप बन गए? वो मेरे पे छोड़ दो, मैं बन जाऊंगा, मेरे को पता है। अच्छा सिद्धू साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, बिना कुछ किए उस दिन मैं चाचा बन गया। उस दिन बैठा हुआ था, मेरे किसी ने कहा आप मामा बन गए। चलो जल्दी से मेरी शादी करा दो, मेरे फेरे निकल रहे हैं। कहीं आपका उल्टे हाथ का कन्यादान ना कर दें, देख लीजिए आप। अच्छा एक बात बोल बच्चा, बोल पंगा। पंगा? तेरी धोती खींच दी, हो जाएगा नंगा। अरे वाह वाह, इतनी सुंदर साली, मुझे आप इतने पसंद आयो, आप मेरे सारे जूते चुरा लो। मैं सारी उम्र नंगे पैर घूमूंगा। हाँ मुझे इतनी पसंद आई आप, एक शादी मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ। क्या कही जा रहे हो आप? वो शादीशुदा है, वो भी राजकुंद्रा से। हाँ तो दो फेरे राजकुंद्रा से भी ले लेंगे। राज की बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद आई है। देखिए राजकुंद्रा ने मार मार के आपका कुंद्रा निकाल देना, समझे? तो कितने पैसे वाले है, पर ये उतनी ही कंजूस है, संडे के संडे मिठाई खाती है बस, संडे विंस। आए भाभी मेरे से आप है ना, प्यार से बात किया करो, नहीं तो मेरे को लेडीज गालियां बहुत आती हैं। हाँ दीजिए, इनको सख्त जरूरत है। अच्छा जी, तेरा ना बैंगा जैसे मुंह मुक्का मार के भरता बना दूंगी। तेरा खद्दू के जैसा मुंह हलवा ना बनाऊंगी। अच्छा जो भी बनाना मेरे को एक कटोरी दे देना, मेरे को बड़ी भूख लगी है। जरा रुक जाइए, जरा शांत हो जाइए, हमें बहस शुरू करने दीजिए। हाँ तू बहस ना कर, तू योगा किया कर, तुमको उसी से लाभ होगा। और मेरी बात सुनो, सड़क पे चलो, ध्यान से चलो, अगर कांटा लग गया तुम पंक्चर हो जाओगे। और तुम पंक्चर हो जाओगे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो हवा निकलेगी 15-16 लोग ले बैठोगे तुम। मजा ही आ गया, बहुत मजा आ रहा है। तो आप जरा जगह पे बैठिए जाइए, हम मैं आप मेरे को दोनों बड़ी पसंद आई, आपकी दोनों को मेरी किस है।
यार, शुरू कर मोटे। हाँ तो कर रहे हैं यार, आप अपना जगह तो लीजिए। तो लीजिए चलिए, हम अपने भाई से यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा मुद्दा है जैसा कि हमने आपको बताया, इट इज सेल्फी। मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, तुम्हारा मुद्दा बहुत बड़ा भी। तो चलिए देखिए, जैसे क्या होता है कि रूम से लेकर बाथरूम तक, घर से लेकर ऑफिस तक, हर जना सेल्फी लेने में बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होता जा रहा है। हाँ जी, इतना ज्यादा हो गया कि एक दिन इंसान अगर सेल्फी ना ले, उसे लगता है कि जीवन तरक्की नहीं कर रहा, लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा है। आप हमें बताइए, क्या सेल्फी लेना इतना ज्यादा जरूरी है? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर शिल्पा शेट्टी जैसी लड़की और गीता कपूर जैसी लड़की ले, तुम दोनों जो दो हिप्पोटामस का जोड़ा, अरोरा जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ जी, तो आप बताइए हमें अनुराग जी, ये सेल्फी लेना का टाइम वेस्ट है जीवन में? हाँ, ये क्या बहुत मुश्किल है, ये सेल्फी लेने वालों के हाथ ना कानून से भी लंबे होते सर, ऐसा खींच के जाते ऊपर, वेरी बैड। ये बात तो सही है, लेकिन यार तुम्हें सेल्फी टाइम वेस्ट लगती है, और तुमने जो इतनी चर्बी वेस्ट की हुई है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए तुम। तू इन जैसे लोगों की वजह से 50-50 मेगा पिक्सल के कैमरे आ रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल लोग 1-2 मेगा पिक्सल में, इसका पेट देखो कितना 200x जूम किया हुआ है, जूम मचाले जूम। शिल्पा जी आप यकीन नहीं करेंगी, ऐसे लोग होते जो अकेले में हाथी का फाट एंजॉय करते हैं। हार्ट की बात कर रहे हैं यार आप, यहाँ हम ह्यूमैनिटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एसिडिटी के ऊपर नहीं, ध्यान रखिए जरा। मेरी तरफ से हाथ थू। आए गीता जी, आपका कपूर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। गीता कपूर। मैं तो कहीं सोच रहा हूँ आप अरोड़ा बना लूँ ना कहीं, आपको बुला लूँ। कदम से गीता अरोड़ा, कितना अच्छा नाम है, बहुत अच्छा लगेगा। आए कितना ज्यादा तरसा हुआ जीव है यार, मेरे लिए बराबर लग रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जी, ये चर्चा जो है, ये बहस जो है, वो एक जॉक्स बन चुकी है। अरे, हम आगे तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सुना दीजिए ना प्लीज। तो ठीक है, लीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं, जहाज उड़ रहा है एकदम फुल स्पीड में, अचानक कुछ होता है, जहाज क्रैश होने जा रहा है, आपको अपने आप को बचाना है, आप कैसे बचाएंगे? कैसे? कल्पना करना बंद कर दीजिए। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। मुझे भी। दूसरा सवाल। ऐसा बताइए, ऐसा कौन सा फल है जिसे खा नहीं सकते? राशि फल। मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ। बहुत ज्यादा मेरे को नफरत नफरत है। तुम कौन हो जी मेरे पति को बोलने वाली? हाँ तुम कौन हो? हाँ, मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन, लड़ो मत, ईंट उठा के मारो इसके। ए, तितली, क्या हमें अंदर हमारी एक भैंसिया की पूछ नहीं मिल रही है यार? वो ना झाड़ू टूट गया था तो मैंने पूछ उखाड़ के झाड़ू में लगा ली, झाड़ू भी बन गया और भैंस का मुंडन भी हो गया। तुमको शर्म नहीं आती? एक अच्छी खासी भैंसिया को डॉबरमैन बना दिया तुमने। ओए तुम लोग बाहर में लड़ रहे हो ना बच्चा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इधर आओ मेरी बात सुनो। देखो यार, तुम्हें पैसा देने के लिए उधार है नहीं हमारे पास, कल रात का खाना हम सारा का सारा खा गए, तो वो भी डालने के लिए नहीं है, हो गई जरूरी बात खत्म, नाउ यू कैन गो। ए बच्चा, तुम्हारी राशि क्या है? तुला। अगर कुंभ होती ना तो मेरे हाथ से कत्ल लिखा होता तुम्हारा। ये तो मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो तुम लोगों में ऐसे ऐसे बता देता। मैं भी ना तुम्हारा बस, कार, स्कूटर, ठेला कुछ नहीं चलता, बस तुम्हारी जुबान चलती है चपर चपर चपर। एक दिन ना मैंने तुम लोगों को ना फैमिली पैक गाली देनी है। मैं तो कहती हूँ हो जाए तुम्हारी फैमिली गाली, हमारी फैमिली मार। वाह जी वाह। क्या ये आपने बैग कब लिया गोबर डालने के लिए? ये हमारा नहीं है यार, तुम्हारा बैग है, लेके जाओ। एक मिनट, आप ही ने लिया मुझे लगता गोबर डालने के लिए। हाय रब्बा।
आधी घड़ी निकली। अपना हम रात की अलार्म लगा के सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। तितली तितली ये घड़ी नहीं है, ये बम है, बम। ये फट गया तो हम सब फट जाएंगे। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, करो कुछ। बारी पर सीख कटने गया, सीख कट के ले आंदा हम। बारी पर सीख कटने गया, कट के ले आंदा हम। साडे घर निकलिया छोटा जया बम, साडे घर निकलिया छोटा जया बम। बल्ले 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 छोटा जया बम, छोटा जया बम। अरे बंद कीजिए, पुलिस को बुलाओ। हैं, एक मिनट संधू, अगर पुलिस बुलाएगा ना तो प्लीज पंजाब पुलिस बुलाना, मैं उनके साथ ना पंगड़ा पाऊंगी। अरे इससे कुछ नहीं होगा, बुलाइए पुलिस को, बुलाइए। रुको रुको, मैं अपना फोन निकालता हूँ, रुको। हेलो, बात करो, बात करो। हाँ जी, पटेल नगर में चोरी हुई है। ओ, हमने नहीं की भाई, मेरे हमारे फालतू में नाम लगा रहे हो। हाँ, फोन रखो। सर, हमने तो अभी फोन भी नहीं मिलाया और पुलिस आ भी गई। तो मतलब तेरे फोन का इंतजार करते वारदात होने देते हैं। और जो उधर मंत्री साहब वारदात से पहले बैठे उनका वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्या है जनाब? इंस्पेक्टर शमशेर सिंह रिपोर्टिंग सर। यस। किस लिए बुलाया भी? हमारे यहाँ बम मिला है सर। वो मेरा नहीं, मेरा नहीं है। सर, आपको पूछ नहीं रहे हैं। हाँ? आपको बता रहे हैं, बम मिला है। बम? हाँ, हाँ, बम। इतना मोटा बम मैंने पहली बार देखा है। ह्यूमन बम। ओए 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 ओए, इसकी तो बत्ती भी बाहर निकली हुई है। अरे बत्ती नहीं है सर, ये चोटी है हमारी। अरे बम है, कुछ कीजिए। कुछ करूं? हाँ, ये ले फिर। क्या कर रहे हैं आप? आपने कुछ कहा, कुछ करो। मैंने भंगड़ा कर दिया मैंने। पाजी, आप विसाखी पे भी आना, हम दोनों घर घर जाके करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। यार इधर बम फटने वाला, आप लोगों को भंगड़ा सूझ रहा है? यार किसको कहा तूने? इधर 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 दो मिनट यार, खड़ा दो। नहीं नहीं, इधर खड़े। अच्छा बोलो, सावधान सब। यार तेरे, मैं तेरे साथ स्कूल में पढ़ा हूँ यार, बोल रहा है मुझे। मेरी बात सुनिए सर, चक्कर पता क्या है वो? साफ बोलो मुझे, तीन चार बार साफ बोलो। यार वो बातों बातों में यार नहीं निकल जाता जो वो वाला यार है। अभी पुलिस वाले को और गर्लफ्रेंड को कभी यार नहीं बोला, पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये वाली बातें करेंगे सर बाद में, करते रहेंगे। अभी बॉम्ब है, बॉम्ब का कुछ कीजिए ना। तुम ना आते डरावनी बातें शुरू करते, बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। मैं, मेरे स्टंट पड़ा हुआ है इधर, समझते नहीं तुम? मैं डर जाता हूँ ऐसी बातों से। कोई और बात करो, कोई भी। सिम्बा देखी है, कैसी लगी? ऐसी बात, सिम्बा देखी तूने? अभी बिल्कुल नहीं देखी। इतनी अच्छी फिल्म बनी पुलिस के ऊपर है, रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी दो दिन बैठे रहे इधर, मैंने देखा है। इतनी मेहनत से प्रमोशन की और तुमने फिल्म नहीं देखी? वे, जब बम फट जाए उसके बाद आके फिल्म देख के आना, ठीक है? उधर बम रखा, उधर बम। इस पेंट में भी बम डलवाओ थोड़ा सा। एक डंडा पड़ते नहीं, ऐसे ऐसे करने शुरू हो जाते हो तुम। अच्छा बता मुझे भी क्या बोल रहा था। बम यहाँ पर है, बम जल्दी कुछ कीजिए वरना कभी भी फट सकता है। खबरदार, 10 बजे के बाद थोड़ा तो कानून का उल्लंघन नहीं करना। क्या नहीं करना? कानून का उल्लंघन नहीं करना। मैं हूँ वैसे पंजाब पुलिस से, ड्यूटी मेरी लग गई महाराष्ट्र में, तो हिंदी मेरी थोड़ी फंसती है मुंह में। उस दिन भी मेरे मुंह में उल्लंघन अड़ गया था तो मैंने निकाला हाथ से, मेरा है प्रॉब्लम। वैसे सिद्धू साहब, मैं डेप्यूटेशन पर यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी अमृतसर में। हाँ सर, टूरिस्ट प्लेस पे लगी ड्यूटी, सारे अंग्रेज आ रहे वहाँ पे, इंग्लिश बोल रहे। मैंने सिर्फ अंग्रेजी में इतना सीखा भी, यू आर अंडर अरेस्ट। जितने भी अंग्रेज आए मैंने सबको बोल दिया, उन्होंने मेरी कंप्लेंट की, मैं फिर भागा हूँ वहाँ। तू भी भागा कर मोटू लाल। इनसे क्या कह रहे हो, इनसे तो ट्रेडमिल पे नहीं भागा जाता पाजी, ट्रेडमिल पड़ा कुछ नहीं होता उसमें, बस इनके कच्चे सूखते हैं। इस तरह ये सारी घर की बात कौन बताता है? इतने बड़े कच्चे कौन सुखाता है? इतने बड़े बड़े कच्चे पाजी,
अच्छा यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कोई पुराना कच्चा है? मेरी कार का कवर फट गया है, तो डाल लेंगे उसे। आपकी इतनी बड़ी कार है? मेरी इतनी बड़ी कार? तेरे पति का इतना बड़ा गैरेज वो नहीं दिखता तुम्हें? बकवास करते हो। तो एक कच्चा मैन, मेरी बात सुनो, ये बताओ ये ब्रीफ केस किसका है? पता नहीं। एक काम करो, इसकी फोटो खींच के ऐसे मोहल्ले में लगा दो, जिसका भी बम है आकर ले जाए। यार हमें डर लग रहा है आपको, मजाक सूझ रहा है? अच्छा तो मजाक करना आसान काम है, है? चलो करके बताओ, इधर आओ, इधर आओ, आ गया, आ गया। मुझे जॉक सुनाओ, जॉक। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं चुटकुले, मैं इधर पुलिस स्टेशन में सुनता हूँ ना, मैं चुटकुले चुटकुले सुनाओ मुझे। एक बार ना एक ना हाथी होता है, मैं तेरे ना, हाँ ना असली है। हाथी का नाम नहीं लेना, वो बेचारा किसी को कुछ कह रहा है हाथी। हाथी को नहीं यूज करना, कोई और चुटकुला सुनाओ इधर। एक बार बहुत बड़ा जानवर होता है, उसके चार बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं, उसके दो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े, हाथी तो नहीं? नहीं सर, एलिफेंट। एलिफेंट आगे सुनो। हाँ जी, तो एलिफेंट का चिड़ी मिलती है? क्या मिलती है? चींटी मिलती है। अच्छा फिर? बस वो चींटी को ऐसे ही छेड़ देता है एलिफेंट, तो चींटी तो वो जो एलिफेंट का है वो भी फिर इसका मतलब हाथी होगा? नहीं सर, मैंने हाथी तो बोला नहीं सर। अगर तुझे चींटी की इंग्लिश आती तो तू पकड़ा नहीं जाता, तूने हाथी कहा है। सर नहीं, सर सर मेरी बात सुनो, मैं सुना था चुटकुला साहब। एक बार ना एक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक वो होता है क्या जी, एक बार वो होता है क्या, बहुत फनी यार, मेरे से नहीं सुनाया जा रहा क्या, मैं अगली बार सुनाऊंगा। अब किसका बजा? इंस्पेक्टर साहब, ये बम में से आवाज आ रही है टीटी की। अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं, इसकी बैटरी लो ही, चार्जिंग पे लगाओ इसको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।